द कोफिशियंट ऑफ ए का पावर फोर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अच्छा देखिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके देखिए, 1+2a का पावर 4 इंटू में 2-a का पावर 5, दोनों को एक साथ एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4c0 प्लस 4c1 2a का पावर 1, 4c2 2a का पावर 2, 4c3 2a का पावर 3, 4c4 2a का पावर 4। चलिए अब इसके बाद देखिए इनटू में इसको देखते हैं, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 5c0 2 का पावर 5 a का पावर 0, ठीक है। फिर माइनस 5c1 2 का पावर 4 a का पावर 1 प्लस 5c2 2 का पावर 3 a का पावर 2 प्लस 5c3 2 का पावर 2 a का पावर 3। माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस ना चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। फिर प्लस 5c4 2 का पावर 1 a का पावर 4 माइनस 5c5 2 का पावर 0 a का पावर 5, यही होगा इसका एक्सपेंशन। चलिए देखिए यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, हमें a का पावर 4 से ना मतलब है। चलिए देखिए 4c0 4c1 2a 4c2 4a स्क्वायर 4c3 8 a क्यूब 4c4 4c4 16 a का पावर 4, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए इनटू में है इसके साथ 5c0 इंटू 32 माइनस 5c1, यहां पर क्या है 16 a 5c2 8 ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए और फिर यहाँ पे माइनस का 5c3 4 ए क्यूब और प्लस का 5c4 2 ए का पावर 4 माइनस 5c5 ए का पावर 5, 5c5 ए का पावर 5, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए कोफिशियंट ऑफ ए का पावर 4, तो आप लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स ए का पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ किसका, यहां लिख देते हैं 1+2a का पावर 4 इंटू में 2-a का पावर 5, क्या हो जाएगा देखिए, ए का पावर 4 कब मल्टीप्लाई करने पे आएगा, देख लो इसमें, यहां देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पावर यहाँ 0 है, यहाँ इसमें देखिए ए का पावर 4 वाला कोई टर्म है यहाँ है, यानी कि हो जाएगा 4c0 इंटू में 5c4 इंटू में 2, ये एक होगा, ये देखो ए है यहाँ पर, ए क्यूब वाला कोई टर्म है ये रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा प्लस 4c1 इंटू 2 और इंटू में माइनस का 5c3 इंटू 4, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ए स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो एक पावर 4 आएगा, 4c2 इंटू में 4 इंटू 5c2 इंटू में 8। चलिए और फिर आगे देखते हैं, फिर उसके बाद प्लस क्यूब है यहाँ ए वाला, इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4c3 इंटू 8 और इंटू में माइनस 5c1 इंटू में 16, पावर 4 है और यहाँ ए का पावर 1 है, ए का पावर 0 है, तो ये आ जाएगा प्लस में 4c4 16 इंटू में 5c0 इंटू में 32, ये ना हो जाएगा जी, और कुछ तो होगा नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 4c0 आपका क्या हो जाएगा, 4c0 आपका 1 हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पर देखिए 5c4 आपका 5 इंटू में 2 प्लस 4c1 आपका 4 इंटू 2 इंटू में देखिए
5C3 की बात करेंगे तो 5C3 को सॉल्व करेंगे ना तो देखिए आ जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल और इंटू में 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे ये 2 टर्म्स 10 आ जाएगा, माइनस का 10 और इंटू में 4, 4C2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 आएगा, 6 इंटू में 4 और 5C2 जो है ये आपका 10 आएगा और इंटू में 8। फिर यहाँ देखिए प्लस 4C3 का, 4C3 का क्या आ जाएगा, 4C3 का 4 आ जाएगा इंटू में 8, माइनस 5C1 का माइनस 5 इंटू में 16, 4C4 का 1 इंटू में 16 और 5C0 का भी 1 और इंटू में 32। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा पहले, है ना जी, 10 आ जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा देखो, 4 × 4 = 16 और 16 × 2 = 32 और 32 यानी कि माइनस का 320 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए और क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो 192 और 10 को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 1920। फिर माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 × 4 = 32 और इंटू में 16 × 512 और इंटू में 5 तो आ जाएगा ये 2560। फिर प्लस 16 × 32 तो 16 और इंटू में 32 कितना हो जाएगा आपका 512। चलिए अब देखिए इसके बाद ये प्लस वाले को जो लेते हैं 512, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आपका ये 9020, ठीक है, और प्लस में 10 तो आ जाएगा ये 2442, माइनस कितना है ये 320 है और 320 माइनस का है और फिर ये माइनस का है 2560, तो दोनों का ऐड कर लेते हैं तो 2880, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा जी आंसर, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 438, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।